हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली कढ़ाई पनीर की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं आज इसे एक बहुत ही सीक्रेट मसालों के साथ मैं आज बना करके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। मैंने 200 ग्राम मैंने पनीर लिया था, जिस पनीर को मैंने बड़े पीसेस में क्यूब्स में मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद फिर एक कढ़ाई में तेल डाला था, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसी तेल में मैंने पनीर को डाल करके हल्का सा मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो बहुत ज़्यादा हम इसको क्रिस्पी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको लाल भी नहीं करेंगे, बस दोनों तरफ से हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए अब नहीं तक हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा पनीर एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में मैंने दो मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च और दो मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इसको भी ऐसे मैंने क्यूब्स में ही कट कर लिया था, और काट करके उसी कढ़ाई में ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, जिसका क्रंचीपन होता है हमें उसका ख़त्म नहीं करना है। तो बहुत इसको हल्का सा फ्राई करके हम तुरंत इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर, जिसमें हमने पनीर को निकाल करके रखा था जिस प्लेट में, उसी के साथ ही हम इस प्याज को भी रख लेंगे। उसके बाद जिस सीक्रेट मसाले के साथ आज हम कढ़ाई पनीर को बनाने वाले हैं, अब हम उसका बनाते हैं मसाले को। मसाले बनाने के लिए मैंने एक ऐसा पैन लिया था, उसी पैन में ही मैंने 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डाल दिया था, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दिया, और इसमें 8 से 10 पीसेस में साबुत काली मिर्च, और कुछ मैंने मसाले लिए लाल मिर्च, दो हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी डाल करके अच्छे से हम इसको एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेंगे। ऐसे हम इसको रोस्ट करेंगे, इसमें कोई भी तेल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे 1 से 2 मिनट तक हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो अपने गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक मिक्सर जार में डाल करके एकदम इसका बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा मसाला बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला बन करके रेडी हो गया है। उसके बाद फिर मैंने एक कढ़ाई लिया था, उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसी में ही डाल देंगे हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम हल्के से चटकने देंगे, जब जीरा हमारा चटक जाएगा उसके बाद फिर उसी में ही डालेंगे 1 छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर इसको हम 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा सा गुलाबी कलर में नहीं हो जाता है। ये देखिए प्याज हमारा एकदम अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया, गुलाबी कलर में हो गया है। उसके बाद फिर मैंने 2 टमाटो लिया था, जिसका मैंने इसका टमाटर का मैंने प्यूरी बना करके तैयार कर लिया था। तो प्यूरी मैंने पूरा एक साथ डाल दिया था, अपने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे। फिर उसी में ही डालना हम इस पर 1/4 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और डाल करके अच्छे से हम इसको चला चला करके ऐसे हम टमाटर को भून लेंगे। ये देखिए टमाटर मैदम अच्छे से भून रहा है, देखिए साइड से तेल छोड़ना भी स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद फिर अब हम इसमें डालें 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर हम इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, डाल करके अच्छे से अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर मैदम अच्छे से भून चुका है। तो जब टमाटर मैदम अच्छे से भून जाएगा उसके बाद फिर जो हमने मसाले को रेडी करके रखा था हमारा सीक्रेट मसाला, वो हम मसाला पूरा हम इसमें एक साथ डाल देंगे, और डाल करके अपने गैस के फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे, और लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि हमारे मसाले ऑलरेडी भुने हुए थे, हमारा टमाटो भी अच्छे से भुना हुआ था। हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच इसमें फ्रेश मलाई, जो दूध की निकली हुई एकदम फ्रेश मलाई होती है उसी मलाई का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो मार्केट से आप फ्रेश क्रीम का भी आप ला करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई को डाल करके अच्छे से हम इसको भी भूनेंगे, अपने गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जब हमारा मलाई एकदम अच्छे से भून जाएगा तो फिर जो हमने पनीर और प्याज शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखा था वो पूरा हम इसमें एक साथ डाल देंगे, और डालने के बाद अपने गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे मसाले एकदम बहुत जल्दी जल जाएंगे। डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको ढक करके हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम इस मसाले के साथ पनीर को भुनेंगे। इसको बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे, नहीं तो हमारे जो एक लेयर जो नीचे की जो लेयर होगी वो एकदम से जल जाएगी, तो जला जला सा टेस्ट आएगा, इससे हमारा सब्जी का टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। तब इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो और ये देखिए हमारी पनीर भी एकदम मसालों के साथ अच्छे से भुन चुकी है, एकदम तेल भी छोड़ना ही स्टार्ट हो चुका है।
उसके बाद फिर अब हम इसी में ऐड करें आधा छोटा चम्मच जिसमें मैंने कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डाल करके अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला और पनीर एकदम अच्छे से पूरा भुन चुका है। उसके बाद फिर अब हम इसी में डालेंगे, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसको हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा तो अपने गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और उसको ढक करके रख देंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए। तो ये देखिए सब्जी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है, एकदम बन करके एकदम रेडी हो गई है। देखने में इसका कलर इतना अच्छा लग रहा है और उसकी खुशबू जो आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना अच्छा इसकी खुशबू आ रही है कि एकदम इसकी खुशबू से ही आपकी भूख एकदम डबल हो जाने वाली है। तो ये देखिए एकदम हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला कढ़ाई पनीर की रेसिपी एक सीक्रेट मसाले के साथ बन करके रेडी हो गई है। तो फिर बिना देरी किए आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर आप गर्मा गर्म आप इसे रोटी या पराठे या नान के साथ आप इसे सर्व करिए। और मेरी ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।